हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। और आज फिर से खेलेंगे हम माइनक्राफ्ट। ये मेरे माइनक्राफ्ट का थर्ड एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं फार्मिंग। आज से मैं चालू करने वाला हूँ फार्मिंग। तुमसे ना हो पाएगा। पहले देख लो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, अभी वो बता देता हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैंने एक आलिशान नया घर बना लिया था और जो हमारे स्टीव है उसकी स्किन भी मैंने चेंज कर ली थी। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। जो मेरा पुराना घर था उसके अंदर रात को क्रीपर आया और फट गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन मैंने फिर से चालू कर दिया एक नया घर बनाना और ये घर मैंने पूरा सर्वाइवल बनाया। बहुत मेहनत लगी बनाने में। और एक दिन एक विलेजर आया और मैंने उसको मारा और दो लीड कलेक्ट कर ली थी उससे मैंने, और मैं फिर से लग गया घर बनाने की तैयारी में। बहुत दिन लगे बनाते बनाते घर, बनाता गया और इतना सामान इकट्ठा करने में मतलब बहुत ज़्यादा ही घंटे लग गए। और स्प्रूस प्लैंक से मैंने घर बनाया था तो स्प्रूस प्लैंक्स मुझे मेरे घर के वहीं मिल गए थे। और अब आगे देखो, मेरे पास डायमंड थे तो डायमंड की एक पिकेक्स बना ली थी और जो डायमंड से उससे मैंने एक डायमंड की स्वाड़ी बना ली थी। अब आगे अभी देखो, मेरा आलिशान घर बनके तैयार हो गया था। इसके बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मतलब फार्मिंग के पहले मेरा घर देख लो आप, छोटा मोटा सा। पूरा टूर नहीं दूंगा, छोटा मोटा थोड़ा बहुत देख लो कैसा है मेरा घर। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अब देखो मैंने एक गुड्डू का भी घर बना लिया था यहाँ पे, तो अभी क्या मैं गुड्डू को लेके जाने वाला हूँ मस्त अपना ऑब्सीडियन लेने, क्योंकि मैं अब भी बनाने वाला हूँ नेदर पोर्टल। ऑब्सीडियन तो आ गया था हमारे पास पिछले बार जहाँ पे हमने लावा पूल में पानी डाल दिया था। अब मैं लेने जाने वाला हूँ ऑब्सीडियन और बनूंगा नेदर। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और देखो ये चलते चलते मुझे अभी शुगर केन दिखा यहाँ पे, तो शुगर केन तो लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आज फार्मिंग करने वाले तो शुगर केन चाहिए ही चाहिए स्टार्टिंग में फार्मिंग के लिए। तो शुगर केन यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। और देखो मुझे यहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे भी दिखे थे, सारे फूल में कलेक्ट कर लिया था। अभी देखो गुड्डू को फिर से वही जगह पे जो अपने घर था उसको यहाँ पे रख दिया। अभी केव में आ गया वो। और ओ भाई तुझे चेन नहीं है तो इसको मारता हूँ। मर, आज तेरे से मैं नहीं डरूंगा। मर, कि आज मेरे पास है डायमंड की स्वॉर्ड। हट हट, मर गया यहाँ पे। अभी मैं आ गया वहाँ पे जहाँ हमने वो पूल को पानी डाल के पूरा नेदर कर लिया था। अभी ये बहुत देर लगेगी एक एक ऑब्सीडियन कलेक्ट करने में क्योंकि बहुत देर लगती है। अभी मैंने सारे ऑब्सीडियन समथिंग 10 और 11 में ऑब्सीडियन कलेक्ट करके लिया हूँ। और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ मेरे घर पे। हम आ गए हैं हमारे सीधे साधे घर पे और अभी जगह ढूंढता हूँ मैं कहाँ बनाना है मुझे नेदर पोर्टल। देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा तगड़ा आइडिया आया कि मैं जो पीछे पहाड़ है उस पर मैं बना दूँ यार, अच्छा लगेगा एकदम अट्रैक्टिव और एकदम ऊंचाई पे मेरा नेदर पोर्टल। आप बताना मुझे मेरा आइडिया कैसा है। अभी देखो मेरे घर के ऊपर एंडरमैन खड़ा हुआ है। क्या तकलीफ है भाई, ये सब कुछ खाने को दो ना। सब चुप, बिल्कुल चुप। मैं चालू करता हूँ नेदर पोर्टल बनाना। इतना मुझे नॉलेज है कि नेदर पोर्टल के लिए 1, 2, 3 और 4 चार नीचे लगता है और ऊपर ऐसा दीवार जैसा बनता है। 2 ये 2 इस साइड 3 और यहाँ पे 1, 2, 3। ये देखो ये शायद ऑब्सीडियन कम पड़ गए। मैं फिर से ऑब्सीडियन लेने गया था, ऑब्सीडियन लेके आ गया। अभी मेरे पास एक आइडिया आया कि जो मेरे पास ये बकेट है उससे सारा लावा मैं कलेक्ट कर लूँ, बिकॉज मुझे तकलीफ नहीं पड़े मैं लावा में गिर के मर नहीं जाऊँ, इसलिए मैं सारा लावा कलेक्ट कर लेता हूँ।
ये देखो सारा लावा कलेक्ट हो गया। अभी देखो मैं ऑब्सीडियन लेके आ गया, सारे ऑब्सीडियन मेरे पास आ गए, अब मेरा शायद बन जाएगा। और ये ऊपर ना मैंने शायद ये गलत प्लेस कर दिया था, एक और ऊपर शायद दीवार बनेगी उसके ऊपर लगेगा नेदर। अरे कहना क्या चाहते हो? ये ऑब्सीडियन, सॉरी नेदर बोल देता हूं मैं बार बार, ऑब्सीडियन या ऑब्सीडियन। सो देखो ये मैं ऊपर चढ़ूंगा पहले, और मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद एक और ऊपर स्टेप करके मेरा नेदर बन जाएगा, नेदर पोर्टल बन जाएगा। एक, ये दो, और ऊपर यहाँ से दो लगेंगे, और ये एक और ये दो। अभी हमारा एक कम्प्लीट है। मुझे ना फ्लिंट एंड स्टील चाहिए था, तो उसके लिए फ्लिंट चाहिए था, तो मैं अभी केव में गया था जब भी मैं ग्रेवल तोड़ के फ्लिंट ले आया था, और यहाँ पे मेरा फ्लिंट एंड स्टील तैयार। अब देखो फ्लिंट एंड स्टील मारूंगा। ओ भाई बन गया, बन गया नेदर पोर्टल सक्सेसफुली। अभी देखो मैं नेदर के अंदर जा रहा हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरा नेदर कैसा है, मुझे पता नहीं है नेदर मेरा कैसा आएगा। देखो अभी फिलहाल मैं नेदर में आ गया हूँ, यहाँ पे सोल सैंड बहुत सारी है। अब बताना मुझे कमेंट में जरूर कि ये नेदर कैसा है, इस नेदर में कुछ अच्छा मिलता है या नहीं। फिर से जाते हैं अपने वर्ल्ड में, देखो फिर से आ गया। और ये एंडरमैन को जरा चेंज नहीं है कि यही खड़ा हुआ है साला, कब जाएगा भाई, हट जाए यहां से, बहुत हो गया तेरा। मैं इन्वेंटरी में ना बहुत सारे मतलब फूल्स पड़े हुए हैं, पौधे, इसको लगा देता हूँ क्योंकि बार बार अड़ रहे, मुझे कुछ सामान उठाने नहीं दे रहा। सारे फूल्स लगाने के बाद में मिलता हूँ आपसे। देखो एकदम अच्छे से मैंने सारे पौधे यहाँ पे लगा दिए, और अब मेरा घर थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ साइड में मेरा स्विमिंग पूल पड़ा हुआ है। अभी मेरा आइडिया है, बस अब चालू करने वाला हूँ मैं फार्मिंग। सो फार्मिंग के लिए स्पेस मेरे पास है। देखो ये जो स्पेस है मेरे घर के राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ फार्मिंग, क्योंकि सबसे बेस्ट जगह है। उसके लिए चाहिए मुझे एक हुई, शायद उसको हुई कहते हैं। देखो आयरन की बना लेते हैं एक अच्छे से, तो देखो ये रही आयरन हुई, और एक हुई हमने बना ली। तो अभी मेरा सारा फाइनली डिगिंग हो गया है, और यहाँ पे जितने भी गैप्स है यहाँ पे मैं डालने वाला वाटर, और बीच में करूँगा मैं फार्मिंग। सो वाटर से मेरा जो फार्म है उसके अंदर वाटर सप्लाई आराम से हो जाएगा, और मैंने शायद मेरा जो बनाया है मैंने बराबर बनाया, कमेंट में ज़रूर बताना मैंने बराबर बनाया या नहीं। नहीं अब देखो मेरे पास वाटर का पूल तो है ही, सो वाटर यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ से वाटर कलेक्ट करा और वहाँ जाके हर एक के अंदर में डाल दूंगा। अभी ये देखो बीच में डाला, ये हुआ नहीं शायद, अभी यहाँ साइड से डालता हूँ, बस हो गया। तो अभी मुझे तीन बकेट चाहिएगी या चार बकेट, क्योंकि वाटर एक बकेट में लाके बहुत देर लग रही है, तो मैंने चार बकेट बना ली, और अब सारा वाटर सप्लाई मैं आराम से कर पाऊंगा। अरे इतने फेंस लगाए, तू कहाँ से आता है भाई? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं पर अब नहीं डरूंगा तेरे से मैं, क्योंकि मेरे पास डायमंड की स्वॉर्ड है। अभी देखो लगभग मेरा वाटर का काम तो हो ही गया है, थोड़ा सा और बाकी उसके बाद मिलता हूँ। फाइनली मेरा वाटर का पूरा काम खत्म, अब मुझे चाहिए हुई, और मैं क्या करूँगा, हुई से जितनी भी सारी ये
घास है उसको हटा दूंगा, देखो ऐसे। देखो मेरे पूरा सारा हुई से हटा दिया था, और अब कितना सही लग रहा है मेरा फार्म। देखो वाटर बराबर जा भी रहा है उसके अंदर, देखो क्योंकि वो जो डार्क दिख रहा है आपको, डार्क वो डार्क हो रहा है, और उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे वाटर बराबर आ गया। अब मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैंने सीड्स लगानी है हमें हर जगह, तो सीड्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, आप जैसे भी वो छोटे मोटे जो पौधे होते हैं बाहर के तोड़ो तो आपको सीड्स मिल जाएगी। अच्छा बोले ऐसा होता है। अभी और सीड्स चाहिए, शायद मेरे पास सीड्स पड़ी हुई है मेरे चेस्ट में। मैंने इतना बड़ा जब प्लेटफॉर्म यहाँ पे खुदा था, करा था इसको, खोद करके घर बनाया था, तो मेरे पास जब बहुत सारी सीड आ गई थी। देखो ये 64 और एक और 64, मेरे पास शायद 264 के ये पड़े हुए हैं। अभी देखो सारा कंप्लीट कर दिया मैंने मेरा फार्म। कितना सही लग रहा है, अब बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं कमेंट में। मेरा फार्म कमेंट कर दिया, अब देखते हैं ये कितनी देर में उगता है और कब तक उगता है। अब देखो बनाएंगे शुगर केन फार्म। मेरे पास पुल तो था ही, बाकी ऑक प्लैंक्स भी लग नहीं रहा था, तो मैंने सारे ऑक प्लैंक्स हटा के डर्ट लगा दिया यहाँ पे। अभी ये देखो शुगर केन यहाँ पे लगेगा, और पूरी बाउंड्री में बनाने वाला हूँ यहाँ पे शुगर केन से। अभी मेरे पास शुगर केन खत्म हो गया, तो मैं फिर से गया और शुगर केन ला के आया। अभी ये वाले जो वर्ल्ड में मुझे इतना शुगर केन मिला नहीं है, जितना शुगर केन होगा उतना लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ क्यों नहीं लग रहा, मैं मेरे वाटर वेस्ट कर दिया। जा एक और बाल्टी है ये, यस हो गया। फाइनली हमारा शुगर केन फार्म भी कंप्लीट। इतना अच्छा नहीं है, उसको भी मैं करूँगा एक्सटेंड अच्छे से। और देखो यहाँ पे मेरा जो वाला फार्म है वो भी तैयार है। अब मेरे पास है ना एक आइडिया आया कि मेरे ज़ॉम्बी वगैरह बहुत आते हैं मेरे विलेज में, तो मैं एक आयरन गोलम बना दूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सो देखो मेरे पास अभी आयरन और तो बहुत सारा था, पहले मैं मेल्ट कर लेता हूँ सारे आयरन ओर को और आयरन इंगट बना लेता हूँ। 55 आयरन ओर है अपने पास, तो अभी लगभग सब शायद हो ही गया है, मेरा आयरन इंगट बन गया। अभी देखो मेरे पास 26, 28, 29 सफिशियंट है शायद, बहुत सारे हैं मेरे। अब मुझे क्या करना है, जितने भी आयरन इंगट है उससे मैं बनूंगा आयरन ब्लॉक, और क्या होगा आयरन ब्लॉक से, और हमें एक आयरन ब्लॉक चाहिएगा, हमें चार आयरन ब्लॉक चाहिएगा, और एक चाहिए हमें पम्पकिन। देखो आयरन ब्लॉक, सो ये रहा हमारा आयरन ब्लॉक, इतने आयरन चाहिए एक आयरन ब्लॉक के लिए, और एक आयरन ब्लॉक बन गया। ऐसे हमें तीन और आयरन ब्लॉक बनाना है। शायद ख़त्म हो गया आयरन, फिर से लेके आता हूँ। तो यहाँ पे हमारे समथिंग हो गया, ये आयरन ब्लॉक एक और बन गया। अब हमें चाहिए एक पम्पकिन, पहले सो जाता हूँ, सुबह उठूँगा आराम से। सो गाइस फिर से आ गए हमारी नई सुबह माइनक्राफ्ट की। देखो अभी मैंने पढ़ा गूगल पे कि मुझे एक पम्पकिन चाहिएगा, कार्ड पम्पकिन आयरन गोलम स्पॉन करने के लिए। कहाँ पे करूँ, बाहर करूँ या तो अंदर करूँ? बाहर नहीं, अगर मान लो अगर अंदर आया कोई ज़ॉम्बी वगैरह तो अंदर ज़्यादा सेफ रहेगा, मेरा घर को सेफ रहेगा। एक दो ये तीन, और यहाँ पे एक और लग जाएगा चार। अब चाहिए हमें पम्पकिन, हम जाते हैं विलेज में और ढूंढ के आते पम्पकिन है या नहीं। ये स्पाइडर कुछ नहीं करता ना सुबह, हाँ शायद ये कुछ नहीं करता। ये हैबेल है, यहाँ पे हैबेल कलेक्ट कर लेता हूँ, वीट में काम आएगा अपन को। अभी देखो ये मैं ये फार्मर का सारा लूट कर लूंगा मैं, जितने भी सब है। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी देखो मैं फार्मर का सारा कुछ लूट लिया, जितना भी कैरेट वगैरह था, बीट रूट सारा कुछ, वीट वगैरह सब लूट के आ गया हूँ मैं। अभी हमें चाहिए एक पम्पकिन,
ये पम्पकिन है, यस शायद ये पम्पकिन है, बट ये सिंपल पम्पकिन है। इसको हमें कार्ड बनाना है, इसके लिए चाहिएगा हमें शायद शीयर्स। मैंने पूरा नेट पे देख के आया, मैं भी शीयर्स के लिए चाहिए दो इंगट। देखो इससे दो इंगट रखेंगे और यहाँ पे हमारा एक शीयर्स बन जाएगा। अब ये शीयर्स को ये पम्पकिन के ऊपर मारेंगे तो वो बन जाएगा कार्ड पम्पकिन। तो यस वो बन गया, अब कुछ नहीं करना, बस ये जो कार्ड पम्पकिन लाया इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये देखो इधर गलत लगा दिया भाई, ऐसा का छोड़ना बनता है, आयरन ग्लव ऊपर लगेगा इसके ऊपर। ये देखो बन जाए भाई सक्सेसफुली। ओ यस बन गया, इतनी खुशी मुझे आज तक। फाइनली हमारा आयरन ग्लव बन गया, हमने यहाँ आयरन ग्लव भी बना लिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।